दिल्ली में नवंबर की बारिश ने पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वहीं पॉल्यूशन ने भी रिकॉर्ड तोड़ा है। इस बार मैं नवंबर की अगर बात करूं तो पिछले 9 सालों में नवंबर दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित महीना है। और इस वक्त अगर मैं तस्वीरों की अगर आज की बात करूं तो देखिएगा अक्षरधाम इस वक्त, और अक्षरधाम से जो नीचे से लोग रोड से देखिए जो आ रहे हैं वो उनको बिल्कुल भी रोड पर दिखाई नहीं दे रहा है। इसी वजह से गाड़ियों की हेडलाइट्स जलाकर चलना पड़ रहा है क्योंकि विजिबिलिटी ना के बराबर है। और देखिएगा हर तरफ स्मॉग की चादर ने जिस तरह से दिल्ली एनसीआर को घेर रखा है उससे लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। और ये तस्वीरें मैं आपको बार बार अक्षरधाम से दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको साफ देखेंगे कि अक्षरधाम नज़र नहीं आएगा क्योंकि इतना ज़्यादा स्मॉग है कि आपको अक्षरधाम देखने में मुश्किल होगा। तस्वीर बता रही है कि दिल्ली की हालात सुधरने की बजाय और ख़राब होते जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखते रहिए किस तरह से धुंध ने दिल्ली को पूरी तरह से घेर लिया है। अगर बारिश की बात करूं तो इस बार बारिश सफदरजंग में 17.3 मिलीमीटर बारिश हुई, ये सामान्य से 188% ज़्यादा है। नवंबर में सामान्य तौर पर 6 मिलीमीटर वर्षा होती है, इससे पूर्व नवंबर 2010 में 26 मिलीमीटर बारिश हुई थी। फिर 2011 से लेकर 2023 तक इस बार सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई, लेकिन वहीं पॉल्यूशन फिर भी कम नहीं हुआ नवंबर में। इस बार इतनी बारिश होने के बावजूद पिछले 9 सालों में ये दूसरा सबसे प्रदूषित महीना है और इस बार बहुत खराब श्रेणी तक प्रदूषण का स्तर जो है वो पहुंच गया 2015 से लेकर 2023 तक। पिछले 9 सालों का ये रिकॉर्ड बताता है कि दूसरा सबसे प्रदूषित महीना है ये। और देखिए तस्वीरों में आपको नज़र आएगा किस तरह से दिल्ली की जो हवा है वो अभी तक साफ नहीं हुई है। जो प्रतिबंध लगे हुए थे अभी तक वो धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की हवा साफ नहीं हो रही है। मैं आपको तस्वीरों में बार बार अक्षरधाम दिखा रही हूँ, इसीलिए देखते रहिएगा किस तरह से धुंध ने दिल्ली को घेर रखा है। और दिल्ली में बताया जा रहा था 300 नीचे, ये 2 दिनों की बारिश के बाद 300 के नीचे AQI पहुँच गया था। इसी वजह से दिल्ली में GRAP 3 हटाया गया। प्रदूषण के घटते स्तर के मद्देनज़र CAQM का फैसला यानी BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कार के चलाने पर लगी रोक खत्म होगी। कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन पर लगी रोक भी हटा ली गई और कहा गया कि प्रदूषण कम हो गया है, लेकिन आज फिर हालात वही हैं। अभी सिर्फ एक दिन हुआ है BS3 और BS4 गाड़ियों के जो आने में, अभी सिर्फ एक दिन हुआ है और कल ही प्रतिबंध हटा है और आज ही हाल देख रहे हैं आप किस तरह से पोल्यूशन बढ़ गया। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो फिर से मैं सफ़र जो है सफ़र इंडिया उस पर जाती हूं और देखूंगी सफ़र इंडिया क्या बता रहा है। तो मैं दिल्ली ओवरऑल पर अगर जाती हूं और तो मैं देखूंगी यहां पर देखिएगा 297, ये पिछले 2 दिनों से पहले तक 389 और 415 420 तक गया था और ये स्थिति आज की देखिएगा 297 है। और अगर मैं अलग अलग इलाकों पर जाऊँ तो मैं यहाँ पर अगर गुरुग्राम का देखती हूँ, पहले NCR की बात करते हैं उसके साथ ही साथ, गुरुग्राम 204, देखिएगा गुरुग्राम 204। अगर मैं नोएडा की बात करती हूँ तो देखिएगा नोएडा का क्या है पोल्यूशन का स्तर, 307, जो दिल्ली का है लगभग वही हाल नोएडा के भी है। और उसके बाद ये तो मैंने सफ़र का दिखाया, उसके बाद समीर ऐप पर मैं जाऊँगी, समीर ऐप पर मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पर क्या स्थिति है पोल्यूशन की, वहाँ का पर AQI कितना बता रहा है। अलग अलग इलाकों की भी बात करेंगे उसमें हम, तो देखिएगा दिल्ली 362, ये देखिएगा PM2.5 है दिल्ली 362। उसके बाद मैं अगर क्लिक करूँगी और अलग अलग इलाकों में जाऊँगी कि कितना है तो देखिएगा ITO 361, मंदिर मार्ग 368, इसी तरह से मैं अगर अलग अलग इलाकों पर जाती हूँ RKpuram 393 और देखिएगा 421 पंजाबी बाग 421 है ना। इसी तरह से मैं और इलाकों को देखती हूँ 401 नेहरू नगर, और देखिए कितने बुरे हाल हैं आज दिल्ली के, जरा सा प्रतिबंध हटा और वजीरपुर देखिएगा 417 है ना, और 452 देखिए, 416 मुंडका आनंद विहार 380। तो कुल मिलाकर तमाम ऐसे इलाके हैं जिनका देखिए जिनका AQI जो है वो 400 से पार है।
तो कल BS3 और BS4 गाड़ियों की एंट्री यहां पर दी गई। दिल्ली में जो अब तक प्रतिबंध लगा था वो गाड़ियां नहीं आ सकती थी, लेकिन अब आज ही पोल्यूशन बढ़ गया, आज ही कंस्ट्रक्शन को अनुमति मिली, कल और आज पोल्यूशन का हाल आप देख रहे हैं। तो दो दिन जो हल्की सी बारिश हुई थी, हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि आज भी हल्की बारिश हो सकती है, बादल छाए रहेंगे, क्या आज की बारिश के बाद पोल्यूशन का स्तर कम होगा ये देखना होगा दिन की बारिश के बाद। लेकिन अभी के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, अभी जो है पोल्यूशन वो 400 के पार है कई इलाकों में, पिछले दिनों जहां तक 400 के करीब पहुंच चुका था, लेकिन दो दिनों की बारिश के बाद मामूली सुधार हुआ था, लेकिन वो भी आज सब कुछ सारा सुधार के बाद आज हालात फिर वही हो चुके हैं। अगर मैं फोरकास्ट की बात करूँ कि दिल्ली का तापमान कैसा रहेगा और बारिश के फिलहाल 30 नवंबर को बारिश दिखा रहा है, जो मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो कह रहा है कि बारिश होगी, वहीं अगर मैं अधिकतम तापमान 24 रहने का अनुमान है और जो न्यूनतम तापमान है वो 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो इस तरह से 13 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम बताया जा रहा है, और कल की अगर बात करूँ पूर्वानुमान की तो 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान वही 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगर इस हफ्ते 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान न्यूनतम तापमान जा सकता है, लेकिन अधिकतम तापमान जो है वो बढ़ेगा 1 डिग्री, वो 25 डिग्री तक जाएगा। मतलब जो ठंड पिछले सालों तक जो नवंबर में आ जाती थी वो ठंड भी नहीं आई, बारिश हो रही है लेकिन मौसम में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ना तो पोल्यूशन से राहत मिल रही है और ना ही मौसम में बदलाव हो रहा है, ना ही ठंड आ रही है। तो ये धीरे धीरे दिल्ली के हाल खराब होते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन कपिल के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9।